नमस्कार, आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। पुलिस पीसीआर पर बदमाशों ने की फायरिंग, डिंग की है घटना, गाड़ी छोड़ भागे बदमाश। अल सुबह डिंग थाना पुलिस की गश्त कर रही एक पीसीआर पर कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग। हालांकि फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायरिंग के दौरान एक बुलेट पीसीआर पर लगा। चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश, पुलिस जांच में जुटी है। अब देख रहे हैं पलपल से सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जैसे ही पुलिस पीसीआर पर बदमाशों ने की फायरिंग, हड़कंप मचा और गाड़ी छोड़कर भाग उठे बदमाश। जी हां, आपको बता दें कि डिंग थाना पुलिस गश्त कर रही थी, एक पीसीआर पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायरिंग के दौरान एक बुलेट जो है पीसीआर पर जाकर के लगी। घटना के बाद बदमाश गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल डिंग थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को बदमाशों से बरामद मारुति कार से एक मोबाइल मिला है, जिसकी जांच की गई और डिटेल से आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर के वारदात में शामिल व अन्य आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। मारुति कार से कुछ औजार, ट्यूबवेल से चोरी की गई तार मिली है। पुलिस के अनुसार एक चोर गिरोह है और जो कि किसी बड़ी चोरी की फिराक में था। डिंग थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि आज सुबह 3:30 बजे डिंग थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह और हेड कांस्टेबल जसविंदर सिंह डिंग गांव की तरफ गश्त कर रहे थे। डिंग मंडी रोड पर पुलिस को एक मारुति कार खड़ी दिखाई दी। कार में 4 लोग सवार थे। जब पुलिस पीसीआर मारुति कार के पास गई तो कार सवार बदमाशों ने पीसीआर पर फायरिंग शुरू कर दी और अंधेरे का फायदा उठा करके बदमाश मारुति कार छोड़कर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है, आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग एक गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस उनकी तलाश में फतेहाबाद के गाँव ढिंगसरा में छापे मार रही है। उन्होंने बताया कि मारुति कार में मिले मोबाइल से आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्दी ही इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देख रहे हैं पलपल डिंग से ये खास रिपोर्ट। रात को हमारी पीसीआर थी, ये डिंग मंडी से एटीएम वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी पर जाती है रात को, वहाँ से वापस आ रही थी गश्त करते हुए। 1:15 बजे के करीब मॉडर्न रोड भट्ठा के पास जो पहुंची वो एक मारुति कार थी जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी, उसके अंदर 3-4 लड़के बैठे हुए दिखाई दिए। उनको नंबर प्लेट ना होने की वजह से उन्होंने मुझसे की बिना पर उनसे पूछताछ करनी चाहिए, तो उनमें से वो कहने लगे वैसे ही बैठे और इतना कहते गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया। चलाना शुरू किया तो उन्होंने कहा भी रुको, एक बार बताइए आप हमें क्या बात है। जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो इसी दौरान गाड़ी के अंदर बैठे एक व्यक्ति ने फायर किया पार्टी के ऊपर। इस दौरान वो फायर तो उनको तो लगा नहीं, लेकिन गाड़ी की खिड़की के अंदर होते हुए सीट के अंदर जाके वो लगे, और वो जो गाड़ी थी उन्होंने एकदम से पिकअप किया था, वो साइड में खड्डे में उतर गई। वो अंधेरे का फायदा उठाकर आदमी तो भाग गए थे, लेकिन गाड़ी हमने बरामद कर ली है। गाड़ी के अंदर एक मोबाइल मिला है जिसकी कॉल डिटेल वगैरह हमने चेक की है। शीघ्र ही आपको इसके संबंध में जो जानकारी है वो गिरफ्तारी के बारे में वो आपको तुरंत जल्दी, हमारा ये इरादा है भी जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के आरोपियों को और गिरफ्तार करके आपको। गाड़ी से ट्यूबवेल से कोई काटी हुई केबल तार थी और तार चोरी करने का सामान था, जैसे प्लास, पेचकस, कुल्हाड़ी, दराती, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट थे। कुछ एक ट्यूबवेल के फ्यूज हैं, वो एक ट्यूबवेल से उतारे हुए थे बड़े वाले फ्यूज आई पावर के 4-5। चोर गिरोह मान के चलेंगे हम, और उन्होंने मतलब दबाव में यानी पहचान ना हो या पकड़े ना जाए इस वजह से पुलिस पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला किया था। बाकी मुझे काफी अहम सुराग मिले इस मामले में,
और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ FIR दर्ज हो चुकी है, रात को ही दर्ज होगी थी FIR। इस मामले में दर्ज तुरंत FIR दर्ज की गई है, कार्रवाई जारी है, दो टीमें गठित की गई हैं। जी इसलिए सरसा की भी दो टीमें हमारे साथ अलग से लगी हुई है और इनकी ज्वाइंट जो ऑपरेशन होगा उसमें हमें परमात्मा से उम्मीद करता हूँ कामयाबी मिलेगी।